तो सुनो के काम देखे कहाँ पे बैठी है। देखे चलो सुनो नीचे तो चलो चलो सुनो नीचे तो आते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आपको टैंगो टिंगो से नहीं मिलाया। मैं आपको बुला देता हूँ, देख और हमारे टैंगो टिंगो ये रहे, वो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। वो ये वाला टैंगो है जो इधर है, उस साइड पर राइट वाली साइड पर जो लेफ्ट है वो टिंगो है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, आपको सही से मिलवाता हूँ। और दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी बात भी हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा। दो तीन बातें हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँगा, शायद मैं साइकिल भी छोड़ दूँ। मैं आपको टैंगो टिंगो सुनाता हूँ दोस्तों। ये देखिए टैंगो टिंगो कितने ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको एक दो मटकी भी दिखाता हूँ, एक में बच्चे भी हैं। देखिए ये वाली मटकी है, इसमें तो बच्चा हफ्ते निकाल गया, बच्चा बच्चा दोस्तों बच्चा था इसमें, कहीं इस मटकी में तो नहीं है दोस्तों बच्चा नहीं है। मैं ढूंढता हूँ फिर आपको। दोस्तों मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे वो बच्चा कहीं नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा, पता नहीं कहा, इतना प्यारा था ब्लू कलर का। मैंने इसको 3 दफ़ा मटके में डाला, वो नीचे फिर रहा होता। और दोस्तों हमारी ना डायमंड डस्ट भी इधर आए, देखें। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक है, मैं सारी तफसील से बात बाद में बताऊँगा, उससे पहले अपने सेट पेट हाउस पे चलते हैं, सेटअप पर जल्दी से ऊपर जाता हूँ। दोस्तों अब मैं छत पर आ चुका हूँ, ये देखें यहाँ पे लैला मजनू है, ये हमारे बोनजी और ये मुर्गी है, और सारे कबूतर खुल गए देखें। और दोस्तों इन कबूतरों में ना 3 कबूतर नए, एक ये वाला, एक वो व्हाइट वाला और एक ये ना मुझे ना गिफ्ट दिया मेरे कजन ने, आपको आते होंगे वीडियो में, अब्दुल्ला और अब्बास भाई, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया। और दोस्तों हम ना छोटे छोटे चूजे भी लाए, देखे चुन्नू मुन्नू की याद में, कितने प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। देखे गंजे भी हैं सर से, बहुत ज्यादा प्यारे। इनका नाम भी मैंने रख दिया, एक का नाम चुन्नू एक का नाम मुन्नू, क्योंकि हमारे चुन्नू जैसे है ना बिल्कुल ना। मैं आपको दिखाता हूँ, वो तकरीबन इसका फ्रेम फिक्स हो चुका है, बस उस पर जाली लगनी और छत डलनी है, वरना वो मुकम्मल हो जाएगा आज या कल में, फुल मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रहा हमारा केज, देखें काफ़ी बड़ा, आपको वीडियो में छोटा लग रहा है। देखिए ये इधर से लेकर इधर तक एक खाना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खाना है, फिर वहाँ तक एक खाना है, 3 टोटल 3 खाने हैं। का हाल देख सकते हैं, देखिए क्या हाल हुआ है छत पर बनने की वजह से, ये सारा गंद हो गया। देखिए हालत तो देखिए आप सबकी, कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत हुई है। देखिए ये सारा सामान बिखरा हुआ है, ये है भाई। पहले केज बन गए, फिर हमने छत की पूरी अच्छे से सफाई करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताते चलूँ हमारे साथ क्या क्या बैड सीन हुआ। सबसे पहले मैं कबूतरों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों हुआ कुछ हुआ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ अपनी पिछली वीडियो में, तो हमारे पास एक लक्का था, मैंने आपको बताया था, वो इधर था। वो ये जो लक्के हैं, ये उन लक्कों में से कोई एक नहीं है, वो लक्का ना कहीं गायब हो गया। और उसके अलावा भी हमारी वीडियो में एक ना मादी आती हुई, वो ब्लैक कलर की होती होगी, छोटी सी पूंछ भी छोटी सी होती होगी, वो भी गायब है। पता नहीं किसी ने उठा लिए या बिल्ली ले गई, कहीं से केज भी नहीं फटा हुआ, पता नहीं कहाँ गए। अब मुझे ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और दूसरा हमारा एक कबूतर मर गया, और उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे नुकसान हो गए। कबूतरों में कुछ फायदा ना, मैं आपको बताऊं तो हमारे एक कबूतर वहाँ गया हुआ, मैं कैमरा जूम करके दिखाता हूँ, वो देखें वो आपको वहाँ पर वो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, वो उधर उस जगह पे कैमरा सही फोकस नहीं कर पा रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, या तो मैं कबूतर ख़त्म कर दूँ या जितने हैं वो बहुत हैं। और दोस्तों आपको नज़र आता होगा एक ब्लैक कबूतर फुल, वो ना उसके पार आए हैं, वो भी भाग गया। तकरीबन हमने उसे महीना रखा, पता नहीं क्यों भागा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब समझ नहीं आ रही, अब मैं इतने ही कबूतर रखूँगा। अब मेरा टारगेट है कि मैं एक मुर्गा लाऊँगा, 2 बटेरे लाऊँगा, और मैं अगली वीडियो में एक आपके लिए सरप्राइज़ पे, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊँगा, वो भी बहुत प्यारा है। और दोस्तों या तो हम मेरी वीडियोस नहीं आएंगी आया करेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ चैनल छोड़ दूँ, सही से समझ नहीं आ रहा मुझे। चैनल चला तो मैं फिर वो आपको सरप्राइज दिखाऊंगा, वरना नहीं दिखा पाऊँगा मैं। मुझे तो लग रहा है मुझे चैनल छोड़ना पड़ेगा, मेरे सारे नुकसान होने। और दूसरा मैं आपको स्नो का बताता हूँ। दोस्तों हमारे स्नो ने पता क्या किया, यहाँ पर डायमंड थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके पर कटे मैंने दोनों को निकाला था। स्नो आई एक डायमंड को फीमेल को ना उठा कर ले गए, मैंने उसको खींचा सही से, सही थी वो डायमंड, और मैंने उसके हल्का से जख्म था, मैंने उसको हल्दी वल्दी लगाई, वो ठीक थी। अगले दिन मैंने देखा वो मर गई थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसलिए वो जो मैंने आपको डायमंड दिखाई थी, वो अकेले वहाँ पे पैरट्स की कॉलोनी में थी। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो मैं स्नो को हटाऊँ या अपना चैनल खत्म करूँ, नुकसान भी नुकसान। अभी तक मुझे एक फ़ायदा नहीं हुआ, लैला मजनू ने भी जितने अंडे दिए थे सिर्फ 5 दिए थे, ना अंडों का कोई फ़ायदा हुआ ना अभी अंडे दे रहे झूल में। अब दोस्तों मुझे समझ आ रहा, मैं करूँ तो क्या, अब आप ही बताएं मुझे मस्त। और ना आप सब्सक्राइब करते प्लीज़, मैंने को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़।
दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, या तो चैनल छोड़ दूँ या ना छोड़ो। आप जो सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब कर दे क्या दोस्तों। ये थी आज की हमारी वीडियो, में तो आपको अच्छी लगी, अच्छी तो लगी नहीं होगी क्योंकि हर चीज़ सैड ही सैड। अब समझ नहीं आ रहा, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे कल या ना भी मिले आप कभी। अल्लाह हाफिज़।